हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप लोगों के लिए रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है काउंटिंग फिगर। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इस टॉपिक से हर एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करवाऊंगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज कैसा होता है? तीनों कोणों की 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी में हम लोग विभाजित कर देते हैं या सरल रेखा खींच देते हैं। आधार को शीर्ष से लंब हम लोग खींच देते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि इसमें पूछता है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब ठीक है, देखिए हम लोग गिनते कैसे त्रिभुज के, ये एक त्रिभुज मेरा एक हो गया, ठीक है। इसमें देखते हैं एक दो, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? दो। लेकिन फिर एक होगा क्या? बड़ा वाला छोड़ देंगे हम लोग। देखिए इसको, देखिए एक है ना, ये बड़ा वाला एक अंदर में त्रिभुज है, इसी को काट के निकाल दिए हैं, तो इस तरह दिखेगा हमको, ठीक है, ठीक ना। इसी को काट के इसको काट के हमको बनाए हैं, ठीक है। अब त्रिभुज एक और दो, अंदर वाला दोनों है, एक बाहर वाला जोड़ेंगे तब ना मेरा तीन होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा बनाते हैं। अब फिर पूछेगा कि इसमें गिनिए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलिए गिनते हैं एक दो तीन, तीन को त्रिभुज है अंदर में, तो हम लोग गिनेंगे कैसे? फिर इसको मिलाएंगे, एक और दो को मिलाएंगे तो कितना बनेगा? चार। फिर दो और तीन को मिलेंगे कितना बनेगा? पाँच। और फिर इसको लास्ट में जब गिनेंगे, एक बड़ा वाला छोड़ दिए है ना, इसको गिन लेंगे तो कितना हो जाएगा? छः। तो मेरा त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा? छः। लेकिन इस टाइप को हम लोग को गिनना नहीं है, हम लोग ट्रिक से बनाते हैं। देखिए क्या करना है, देखिए एक है इसमें त्रिभुज, तो एक प्लस दे दीजिए, दो है दो जोड़ दीजिए, इसमें तीन है तीन जोड़ दिए, टोटल त्रिभुजों की संख्या गिनिएगा ऐसे, एक दो तीन जोड़िए, एक दो तीन और तीन कितना हो? छः। तो त्रिभुजों की संख्या छः। अब सेम इसमें देखिए, एक और दो जोड़िए, एक और दो टोटल कितना हो गया? तीन। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तीन। तो आराम से गिन लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलिए इसमें बताइए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। चलिए लिखते हैं एक दो तीन चार, अब जोड़िए इसमें, एक दो तीन चार, एक दो तीन, तीन और तीन छः, छः और चार दस। तो त्रिभुजों की संख्या दस। अब फिर क्या करता है एग्जामिनर में, यही क्वेश्चन को पलट देता है, देखिए इस तरह से। ठीक है, यही क्वेश्चन को इस तरह से प्लट देता है और पूछता है क्या कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलिए देखते हैं एक दो तीन, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक दो तीन, तो त्रिभुजों की संख्या छः। सेम अब इसी तरह भी जोड़ते हैं इसमें, एक दो तीन, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? छः। यही है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप, पार्ट नंबर टू। इसमें बहुत ईजी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट जानिएगा कि टाइप नंबर मेरा फर्स्ट था। चलिए अब आता है टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड कैसे होता है? त्रिभुज रहता है इसमें, और फिर क्या करता है, इसमें सेम त्रिभुज छाप लेते हैं। इसमें क्या करता है देखिए, इसमें क्षैतिज तरह के काट देता है बीच में, और पूछता क्या है, इसमें पूछता क्या है कि त्रिभुजों की संख्या हमको बताइए। देखिए ये तो मेरा त्रिभुज है, हम लोग तो बनाए थे कैसे, आधार से शीर्ष पर लगा हुआ था, इधर से ऐसे ऐसे ना हम लोग गिने थे। तब क्या किया है, इसको हटा के, लंब हटा के इसमें क्षैतिज तरह से काट दिया गया, और पूछा है क्या है तो त्रिभुजों की संख्या बताइए, ठीक है। देखिए इस त्रिभुज को हम लोग अलग करेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा, आराम से गिन सकते हैं कि त्रिभुज की संख्या मेरा एक है, दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसमें बोलता है कि कुल त्रिभुज जो है ना, कुल त्रिभुज वो टोटल क्षैतिज के बराबर होता है। क्षैतिज हम लोग किसे कहते हैं, जो इस तरह से विभाजित होता है उसको हम लोग क्षैतिज कहते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं, तो इसमें क्षैतिज कितना, देखिए त्रिभुज संख्या इसमें एक है, क्षैतिज कितना है? एक दो, तो त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई? दो। समझे ना, इस त्रिभुज को हम इस निकालेंगे इस तरह दिखेगा ना, इसमें आइए क्या त्रिभुज है, एक दो तीन, तो त्रिभुज की संख्या कितनी हो? तीन। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। चलिए अब इसमें बताइए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, आप बताइए सकते हैं। हम क्या बोले थे कि क्षैतिज जितना होगा उतना त्रिभुज होगा, तो हम क्या बोले थे कि कुल त्रिभुज बराबर
कुल क्षैतिज रेखा मान लेते हैं। हम क्या बोले थे कि टोटल जितना क्षैतिज रेखा खींचा हुआ है बस उतना ही त्रिभुज होगा। देखिए गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। इजी है। चलिए अब आते हैं पार्ट नंबर 3। टाइप थर्ड में क्या होता है, देखिए टाइप थर्ड में ये होता है, इसमें लंब जैसे क्या होता है, देखिए हम लोग पहले क्या सीखे थे कि लंब एक होता है और एक क्षैतिज होता है, ठीक है। अब टाइप थर्ड में क्या होता है, इन दोनों को मिला देता है और पूछता है कि त्रिभुजों की संख्या बताइए, ठीक है। अब बनाते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, लंब खींच देता है और क्षैतिज खींच देता है और पूछता है इसमें कि त्रिभुजों की संख्या बताइए। चलिए कैसे गिनते हैं, देखिए हम क्या बताए थे टाइप नंबर फर्स्ट में, इस तरह बताए थे कि त्रिभुजों की संख्या कैसे होगा, इसी को हम काट के अलग कर देंगे तो इस तरह दिखेगा ही दिखेगा। चलिए गिनते हैं, इसमें 1 और 2, तो हम क्या बोले थे, 1 + 2 जोड़ दिए टोटल हो जाएगा 3 बोले थे, तो सेम अब इसी तरह आते हैं। देखिए 1, 2 टोटल कितना हो गया 3, इसमें भी जोड़ेंगे 1 + 2 टोटल कितना हो गया 3। अब इस तरह बाय द वे हम लोग नहीं जानते हैं, तो हम लोग पहले गिनते किस तरह थे, बाय द वे जैसे अभी हम कॉन्सेप्ट नहीं बताए थे, हम लोग कैसे गिनते हैं वो भी बता देते हैं। देखिए 1, 2, 2 को त्रिभुज, 1 बड़ा वाला टोटल, 3 एक ही वाला देखिए, 4 एक ही वाला देखिए, 5 और 1 टोटल बड़ा वाला, 6। इतना कौन करता है, कंपटीशन है भाई। इसमें क्या करना है, इसीलिए हम शॉर्ट तरीका आपको बताएं, इसमें क्या जोड़ना है, 1 + 2 टोटल 3, 1 + 2 टोटल 3, कितना त्रिभुजों संख्या 6, तो ये इस वाला आसान होगा सबसे अच्छा। चलिए अब आते हैं इसमें उठते हैं और एक तरीका, क्या और बता दें, देखिए इसमें और एक तरीका ईजी है। देखिए इधर से 1 इधर से 2 इधर बराबर है, इधर से जोड़िए 1 इधर से 2 बराबर है, तो क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, हम क्या बोलते हैं 1 + 2 तो जोड़ेंगे टोटल 3 आएगा ना, तो हम बोले क्या था कि देखिए कितना इसमें, देखिए गिनिए इसमें कितना बराबर आता है, इसमें 2 आता है, इसमें 2 आता है, इधर से गिनिएगा तो 2 आता है, इधर से 2, तो यही 2 को गुणा कर दिए टोटल संख्या कितना आएगा, 6। इसमें 3 टाइप बताएं, ईजी है तीनों, आप तो जिस तरह से चाहे आप तो या तो ऐसे गिनिए, या तो फिर इस तरह गिनिए, या तो फिर इस तरह, आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में आए वो आराम से बना सकते हैं। चलिए अब इसको बताते हैं, चलिए गिनते हैं इसमें 1, 2, 3 क्या बोले थे, टोटल जोड़ लीजिए इसमें 1 + 2 + 3 टोटल कितना हो जाएगा, 1, 2, 3 और 3 टोटल 6। अब सेम इसमें जोड़, 1, 2, 3 जोड़िए कितना, 1 + 2 + 3 टोटल 6। इसमें भी इसी तरह के 1, 2 + 3 टोटल कितना, 1 + 2 + 3 टोटल 6 कितना हो गया, 18। लेकिन क्या करना है, इस तरीका से तो हम बताए थे, इससे भी एक शॉर्ट तरीका हम क्या बताए थे कि जब इसमें बराबर हो, जब आधार और शीर्ष पर जब लगा हुआ हो और तीनों भाग जब बराबर हो, तो हम क्या बोले थे कि एक भाग को गिन लीजिए और टोटल को गुणा कर दीजिए, इजी आंसर आ जाता है। इसमें इस टाइप तो बना ही सकते हैं, लेकिन देखिए जी है क्या बोले, हम फर्स्ट भाग वाला उठा लीजिए, कितना होता है 1, 2, 3 जोड़ेंगे टोटल मेरा 6। अब ये कितना कटा हुआ है, कितना भाग है, 1, 2, 3 हम तो बोले थे, देखिए 1, 2, 3 तो 3 को गुणा कर लिया तो 18 आएगा, तो कौन वाला इजी हुआ, या तो ये वाला या तो ये वाला, तो आप तो ये वाला इजी बनाइएगा, ठीक है। अब सेम इसी तरह बताइए इसमें, देखिए 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 आप बताइए कि इसमें किस तरह बनाएंगे, हम तो समझा दिए हैं, 3 टाइप बताइए इसी में। इसको क्या करना है, सिंपल हम जो अभी बता रहे हैं कि क्या करना है, देखिए 1, 2, 3, 4 जोड़िएगा टोटल, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 3 और 3 6 6 और 4 10। हम बोले थे क्या, पहले गिन लीजिए चारों ओर से बराबर है, देखिए 1, 2, 3, 4 इधर 4 गो है,
एक दो तीन चार, ये भी बराबर है, तो चार से गुना कर दीजिए इसी को, तो आंसर आ जाएगा 40। इजी है ना, बहुत इजी है। ये टाइप हो गया थर्ड। चलिए अब टाइप फोर आते हैं। टाइप फोर में क्या आता है, जैसे हम क्या बोलते हैं कि लंब और क्षैतिज जब कट जाता है और दोनों का मान लो हम ब्रेक कर दें तो कैसे बनेगा, चलिए बताते हैं। चलिए इसमें बताया कि त्रिभुजक संख्या कितनी, देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसका इजी तरीका हम बता देते हैं, पहले सुन लीजिए। देखिए हम इसमें क्या बोले थे कि जब इस टाइप का प्रश्न, टाइप मेरा कितना है फोर, यही ना है। चलिए इसमें क्या कहता है, जैसे हम बोले थे पहले क्या बोले कि त्रिभुज रहता है उसमें विभाजित कर देता है, दूसरा में उसको क्षैतिज तरीके से काट देता है, और तीसरा टाइम उसको दोनों को मर्ज कर देता है, और चौथा में क्या हम बोले कि देखिए ब्रेक कर देता है बीच बीच में। अब इसमें तो थोड़ा कठिनाई होती है लेकिन बहुत इजी तरीका, चलिए हम बताते हैं। देखिए इसमें हम लोग कैसे गिने थे कि एक दो तीन, तो एक दो तीन और तीन कितना हो गया छः, छः नीचे तरफ हो गया और ऊपर में कितना हो गया एक दो तीन, मतलब छः, त्रिभुज संख्या 12। ठीक है अब सेम इसी तरह करना, देखिए जहाँ ब्रेक है ना वहाँ रुक जाइएगा, देखिए जहाँ तक ब्रेक नहीं है वहाँ गिन लीजिए। देखिए यहाँ ब्रेक है, तीनों में ब्रेक नहीं है, ऊपर में ब्रेक है नीचे ब्रेक है, तो ब्रेक वाला बाद में गिनिएगा, पहले नीचे हम गिन लेते हैं। एक दो तीन, त्रिभुजों की संख्या कितनी, एक दो तीन, त्रिभुजों की संख्या छः, नीचे छः हो गया, ऊपर में आते हैं यहाँ कितना है एक, ब्रेक यही ना हुआ है, तो त्रिभुजों की संख्या कितना है यहाँ एक, फिर ऊपर में चलते हैं कि कहाँ तक है, देखिए यहाँ तक एक दो, कहा कि यहाँ तो ब्रेक हो चुका है तो यहाँ ले लेते हैं एक और दो जोड़ लेंगे, देखिए कितना होगा छः एक सात और तीन कितना होगा दस, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई दस। अब इसमें इसी तरह सेम गिनिए, इसी में इसी तरह देखिए कहाँ ब्रेक है, यहाँ ब्रेक है और यहाँ ब्रेक है ऊपर में, देखिए तो हम नीचे नीचे तो ब्रेक नहीं है तो हम सब साथ ले सकते हैं, ले सकते हैं, गिनिए एक दो तीन चार, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन और तीन छः और चार दस, तो नीचे त्रिभुजों की संख्या दस। अब ऊपर में आइए ब्रेक जहाँ, देखिए यहाँ ब्रेक लगा तो यहाँ गिन लेते हैं एक और दो, यहाँ कितना आ गया तीन, तीन जोड़ लेंगे, यहाँ देखिए कहाँ तक ब्रेक एक दो, यहाँ कितना है तीन, तो यहाँ जोड़ लेंगे कितना होगा दस तीन तेरह तीन सोलह, तो त्रिभुजों की संख्या सोलह। ठीक है ना, बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा तुरंत बन जाएगा, जितना रिविजन कीजिएगा उतना बनेगा। अब क्या है टाइप नंबर फाइव, इसमें क्या होता है एक त्रिभुज तो रहता है, त्रिभुज के अंदर भी त्रिभुज दे देता है, समझे क्या हम बोलें, किसी भी त्रिभुज रहता है और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होता है और बाहर में टच भी करता है, समझे त्रिभुज रहता है और त्रिभुज के अंदर में ही त्रिभुज को टच करता है, मतलब छूता है, तो अब पूछता है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलिए फिर एक लिख लेते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, हम इजी तरीका बता देते हैं, हम लोग किस तरह से पहले गिनेंगे, देखेंगे पहले कॉलम कौन कौन मेरा त्रिभुज बन रहा है, ठीक है एक दो तीन चार, चार को त्रिभुज तो बन रहा है, अब एक ऊपर वाला कौन गिनेगा, वो भी ना गिनना पड़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, नीचे तो मेरा चार है एक ऊपर मिला के, टोटल कितना त्रिभुज संख्या हो गया पाँच, तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितना हो गया पाँच इजिली से। इसमें एक फार्मूला भी आता है, फार्मूला क्या आता है 4n-3, समझे n किसको बोलते हैं, n उसको बोलते हैं त्रिभुज के, त्रिभुज को हम लोग n बोलते हैं, जितना त्रिभुज हो उन तक उतना गिनेंगे हम लोग। जैसे देखिए इसमें क्या होता है त्रिभुज की संख्या कितनी है, इसमें त्रिभुज की संख्या एक एक और एक दो, तो यहाँ लिखेंगे कूट कर देंगे चार दुना आठ, आठ में तीन माइनस करेंगे तो पाँच आ जाएगा, तो
तो पाँच तो हम नीचे भी गिने, तो फार्मूला में कूट कर दीजिए, आराम से इजी आ जाएगा। अब इसमें देखिए, या तो सीधा तरीका लगाए या वाला फिर इसमें कूट कर दीजिए, इजी आ जाएगा। चलिए अब गिनते हैं। देखिए पहले बेसिक बता देते हैं, हम लोग क्या गिनते हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसी का दूसरा रूप ही है, लेकिन ये ऊपर से दे दिया एक्स्ट्रा। चलिए हम लोग क्या गिनते हैं, कैसे गिनते हैं, एक दो तीन चार, और एक ऊपर वाला भाग वाला पाँच। तो हम लोग ऊपर वाला नहीं लेते हैं, नीचे वाला लेते हैं, एक वो चार। अब त्रिभुज का अंदर ही त्रिभुज, और क्या बोले कि बाहरी त्रिभुज को टच भी करता हूँ, इसको कितना होगा, तो एक त्रिभुज अंदर वाला और एक बाहर वाला चार, और एक टोटल पूरा जो बाहर में है उसको कितना, एक। तो चार चार आठ और एक नौ, त्रिभुज नौ हो जाएगा। अब देखिए इसका बेसिक तरीका बता दिए, अब इसका शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका हम क्या बोलें कि एन एन मतलब क्या होता है, एन एन मतलब होता है हम त्रिभुज बोले, तो इसमें क्या गया, देख गिनिए, एक दो तीन, तो क्या लिखाएं, फोर एन माइनस थ्री, तो फोर लिखेंगे और त्रिभुज क्या है, तीन को चार तीन बारह में तीन माइनस चल जाएगा तो नाइन, इसमें त्रिभुज की संख्या नाइन, और उसमें कितना गिने थे, नाइन, तो इजी है। अब इसमें सेम आइए, इसमें गिनिए, एक दो तीन चार, तो एन की संख्या चार, तो फिर फॉर्मूला गुट करेंगे, फोर एन माइनस थ्री, तो फोर लिखेंगे, एन मेरा हम बोले थे त्रिभुज, तो एन कितना गिने हैं, चार माइनस थ्री, चार चौक सोलह, सोलह में तीन चल जाएगा कितना हो जाएगा, तेरह, इसमें त्रिभुजों की संख्या तेरह, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप जाते हैं, नेक्स्ट टाइप में क्या बोलता है, नेक्स्ट टाइम में क्या बोलता है, वर्ग देता है, वर्ग जैसा आकृति देता है, लेकिन पूछता है कि इसमें त्रिभुज कितना है, कन्फ्यूजन, इसमें कितना हो गया टाइप, टाइप हो सकता है छः होगा, छः या सात होगा टाइप, ठीक है। चलिए चलिए इसमें क्या बोल रहे हैं, इस आकृति से पूछता है, आकृति दे लेता है और पूछता है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो त्रिभुज की संख्या, इसमें त्रिभुज है, दिखने में लग रहा है आपको त्रिभुज, ये तो वर्ग से समान दिख रहा है, तो त्रिभुज नहीं होगा। अब इसमें कौन करता है कि त्रिभुज कितना है, गिनते हैं, देखिए एक दो तीन चार, चार को त्रिभुज हम लोग तो नॉर्मल गिन लेते हैं, लेकिन चार को त्रिभुज है, ज़्यादा है, देखिए कैसे, चार और तीन मिला के एक त्रिभुज बनेगा, बनेगा, तो कितना होगा, पाँच, यदि त्रिभुज बनेगा एक और दो कितना हो जाएगा, छः बन जाएगा ना आराम से, तो इसको क्या करते हैं, छः और एक बड़ा भाग, छः बना ना, एक बड़ा भाग कितना हो गया, सात, और एक फिर इधर बड़ा भाग कौन गिनेगा, कितना हो गया, आठ, तो त्रिभुजों की संख्या आठ। हम लोग ऐसे गिनेंगे तो क्या लगता है कि लोग टाइम ज़्यादा लग जाता, ठीक है, लेकिन टाइम हम लोग को ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है इसके, हम क्या देखिए एक नेक्स्ट तरीका बताते हैं, बहुत ईजी है, देखिए गिनते कैसे, त्रिभुज एक दो तीन चार, क्या करना है, जितना कॉलम है त्रिभुज जितना दिख रहा है उसको डबल कर दीजिए, त्रिभुजों की संख्या टोटल आ जाएगा। हम क्या बोलें, फिर से एक बार सुन लीजिए कि जितना फलक है मेरा, त्रिभुज जितना दिया है उसका डबल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा एक दो तीन चार, चार दुना आठ, इसे जोड़ते हैं, देखिए एक दो तीन चार, चार दुना आठ, अभी तो हम गिन के बताएं तो क्या आठ कैसे आता है, तो ये है बस सेम इसी तरह इसमें भी लगा देना है, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, हम क्या बोलें कि जितना भी त्रिभुज है उसको डबल कर दीजिए, तो डबल करने पर कितना जाएगा, बारह, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, बारह। चलिए अभी नेक्स्ट आते हैं, इसमें कितना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसको डबल कर देना, तो आठ का डबल कितना होता है, आठ के डबल सोलह, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या सोलह, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।